किस्तों में दी होती है। पहली किस्त 1,000 रुपये की होती है, दूसरी 2,000 की और तीसरी भी 2,000 की होती है। अब इसमें जो पहली किस्त है 1,000 रुपये की, वो जैसे ही प्रेग्नेंट मदर अपने आप को रजिस्टर करा लेती है, तुरंत 1,000 रुपये की धनराशि उसके खाते में अंतरण की व्यवस्था है। दूसरा जो 2,000 की किस्त है, ये प्रेगनेंसी के 180 दिन तक क्लेम की जा सकती है और प्रसव पूर्ण जांच, एक अगर प्रसव पूर्ण जांच हो जाती है तो इसके लिए अर्हता बन जाती है 2,000 रुपये की। अब जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है वो बच्चे के पैदा होने के बाद, अगर बच्चा पैदा होने के बाद उसको आपने रजिस्टर करा लिया और जो फर्स्ट साइकिल ऑफ इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण है, जिसमें BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी है, ये अगर वो कर, ये उसमें सफलतापूर्ण फर्स्ट साइकिल ऑफ टीकाकरण करा लिया तो 2,000 रुपये का तीसरा प्रोत्साहन धनराशि मिल जाती है। इसमें कुछ फॉर्म है, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 1A नाम का फॉर्म है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए 1B नाम का फॉर्म है और थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए 1C नाम का फॉर्म है, जो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और बैंक की पासपोर्ट और उसकी छायाप्रति चाहिए, क्योंकि उसके खाते में धनराशि अंतरण करना होगा, और आधार कार्ड चाहिए, बस इतना ही चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मानक क्या है? मानक वही